आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थार मूवी के बारे में। थार वेस्टर्न स्टाइल में बनी देसी फिल्म है। ये शोले के दौर की बनी फिल्मों की याद दिलाती है। डायरेक्टर राज सिंह चौधरी ने एक नॉर्मल सी स्टोरी को अच्छे से पेश किया है। कहानी 1985 में सेट है, जहाँ सिद्धार्थ नाम का एक लड़का राजस्थान के भीतरी इलाके में स्थित एक गांव में आता है। वह बहुत कम बोलता है। जिस होटल में रोज जाता है उसके मालिक का कहना है कि चाय कचौड़ी और कितने हुए, ये वाक्य ही उसने सिद्धार्थ के मुंह से सुने हैं। ग्रामीणों को वह इंग्लिश फिल्म का हीरो लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक मर्डर हुआ है जिसकी तहकीकात इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और उनका साथी भूरे कर रहा है। सिद्धार्थ से जब सुरेखा उसके गांव में आने का उद्देश्य पूछता है तो वह अपने आप को एंटीक डीलर बताता है और कहता है कि उसके पास खनन का लाइसेंस है। वहीं गांव के कुछ पुरुष शहरों में कमाई करने के लिए गए हैं और महनू से वापस नहीं लौटे हैं। केसर का पति महनू बाद घर लौटता है और कुछ दिनों के बाद वह उनके दो साथियों के साथ लापता हो जाता है। सिद्धार्थ गांव में क्यों आया, केसर का पति कहां गायब हो गया, सुरेखा सिंह मामले की तह तक कब तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मूवी के अंत में मिलने वाले हैं। मूवी को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। मूवी में आउटडोर शूटिंग ज्यादा है। उड़ती धूल, चट्टानें, मिट्टी में सनी जीप, पुराने घर, पुरुषों का इंतजार करती महिलाएं, ये जिस तरह का माहौल बनाते हैं वो फिल्म से कनेक्ट करने के लिए अहम रोल निभाता है। कहानी में पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग कैद वाला एंगल भी डाला गया है, जो शुरू में अनुपयोगी सा लगता है लेकिन बाद में बहुत उपयोगी साबित होता है। डायरेक्टर राज सिंह चौधरी ने फिल्म में गालियां और ब्रूटैलिटी भर के डाली है, जैसे पैर में कील ठोकना, कान काटना, उंगली काटना जैसे ब्रूटल सीन भी रखे हैं, जो दिल और दिमाग दोनों को दहला देते हैं। फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट अच्छा है। श्रिया देव दुबे ने फिल्म को खूबसूरती के साथ फिल्माया है। आरती बजाज की एडिटिंग हमेशा की तरह शानदार है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की थीम से मेल खाता है। थार एक डार्क फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर, फातिमा सना शेख हैं। और आपको बता दूं कि ये मूवी 18+ है। मूवी 1 घंटा 48 मिनट की है। ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मैं इस मूवी को 3.5/5 रेटिंग देता हूं। मूवी के ऐसी रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।